सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता शिव सिंह रावत ने महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में आयोजित अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत हरियाणा एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय ग्राहक दिवस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उपभोक्ता के अधिकारों से खिलवाड़ न हो, ऐसी सोच रख कर हमें काम करना चाहिए। उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या हैं, इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से लोगों को समय समय पर जानकारी उपलब्ध करवाई जाती रहती है। इसके लिए न केवल उपभोक्ताओं को जागरूक होने की जरूरत है बल्कि व्यापारी वर्ग के लिए भी कर्तव्य की पालन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक विपक्ष व डॉक्टर अपने कार्य को सेवा के रूप में तन्मयता से करते हैं, उसी प्रकार दुकानदार व व्यापारी वर्ग को भी अपना कार्य उपभोक्ताओं के प्रति सेवा भाव के साथ करें, इससे उपभोक्ता व व्यापारी को आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि संबोधन में कहा कि सरकार ने अपने उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर नियम बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले उपभोक्ता मोबाइल से जिस सर्विस प्रोवाइडर का नंबर इस्तेमाल करता था, सर्विस सही न होने पर वह अपनी जरूरतों के चलते नंबर नहीं बदल पाता था, जबकि आज उपभोक्ता अपने उसी नंबर के साथ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को तुरंत बदल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से एक संपन्न देश रहा है। भारत में पहले उपभोक्तावाद न होकर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया जाता था। भारत में पहले से ही आत्मसुख से पहले सर्वसुख की प्रथा चल रही है। जी। आज जो उपभोक्ता दिवस के कार्यक्रम थे, उसमें मैंने सिंचाई विभाग के बारे में, पानी के बारे में, नहर के पानी के बारे में उपस्थित लोगों को बताया था कि भाई आगरा कैनाल से हमें पानी मिलता है पलवल जिले को, जो कि यूपी सरकार के अंदर है, हरियाणा सरकार के अंदर है। हमें कम पानी मिलता है और उस कम पानी को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्मर्स को दे पाएँ और फार्मर्स उसको किस तरह पूरे ट्रेन तक भी पहुँच जाने दें, ये एक भाईचारे से, एक समझदारी से और जागरूकता से हो सकता है। इस विषय की कुछ बातें हुई। उसके बाद मैंने ये बताया कि हरियाणा सरकार और सिंचाई विभाग की जो पॉलिसी है कि हर खेत को पानी और मोर क्रॉप पर ड्रॉप की जो पॉलिसी है, उसके तहत कुछ स्कीमें सरकार ने सेंक्शन की हैं सिंचाई विभाग ने, जैसे कि मिंडकोला गांव में वाटर लॉगिंग सेम की समस्या है, तो उसमें सुधार करने के लिए एक प्रोजेक्ट भेजा हुआ था, डेढ़ दो साल से पेंडिंग था, उसको अभी पिछले सप्ताह EIC साहब से हमने रिक्वेस्ट की सबने मिल के, तो वो उन्होंने सेंक्शन कर दिया। दूसरा एक स्कीम है जो सेवली गाँव से गौची में से पानी को लिफ्ट करके हथीन रजवाहे में डाला जाएगा, इससे तेल के 20-25 गांवों को फायदा होना है जिनको पानी नहीं मिलता था। ये स्कीम भी पिछले सप्ताह सिंचाई विभाग ने फ्लड के एजेंडे में अप्रूव कर दिया। तीसरी स्कीम है हथीन के मेवात के गांवों के लिए लड़मा की माइनर की एक्सटेंशन का, जिसमें बड़ा जोर शोर से चल रहा है और वो भी स्कीम हम उम्मीद करते हैं कि EIC साहब को सारे उसके फायदे और नुकसान बता दिए गए हैं और EIC साहब ये कह रहे थे भी अगली मीटिंग में हम कोशिश करेंगे कि ये भी हो जाए, तो इससे हमारे जो टेल वाले गांव में उन सबको इससे बड़ा फायदा होगा और किसानों को जो उपज बढ़ेगी और खुशहाली बढ़ेगी।